नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले में उलटफेर जारी है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए थे उनमें से ज्यादातर अधिकारियों के तबादले को निरस्त कर दिया गया है। कोई 10 दिन बाद वापसी अपने पुराने दफ्तर आया तो कहीं 1 हफ्ते में ही ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सहायक अभियंता नवल किशोर मिश्रा को 29 जून की रोज प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बस्ती से निर्माण खंड बस्ती भेजे गए थे, लेकिन महज 10 दिनों में ही उन्हें उनकी पुरानी जगह वापस भेज दिया गया। इसे देखकर साफ पता चलता है कि प्रशासन भी इन अधिकारियों के आगे नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर नीति में हुए उल्लंघन को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर साफ तौर पे देखा जाए तो नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पहले स्वास्थ्य विभाग और अब पीडब्ल्यूडी में तबादले को लेकर अब जो सवाल है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो एक मामला सामने आ रहा है बस्ती से, जहां नवल किशोर मिश्र नाम के सहायक अभियंता की पहले उनकी ट्रांसफर की जाती है, फिर उन्हें पुराने जगह पे महज 7 दिनों में वापस बुला लिया जाता है। और वहीं इस मामले पर अधिकारी बोलने पे कन्नी काट रहे हैं और इससे जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराज नजर आते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खेल खेला जा रहा है। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है जहां पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर का खेल खेला जा रहा था और कहीं ना कहीं ट्रांसफरों को निरस्त कर दिया गया है। एक बार फिर सभी अधिकारी अपने पुराने दफ्तर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। सालों से जमे अधिकारी विभाग में जमे हुए थे और उनपे मेहरबान नजर आ रहा है महकमा। तो लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले में उलटफेर जारी है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए थे उनमें से ज्यादातर अधिकारियों के तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। कोई 10 दिन बाद, कोई 1 हफ्ते बाद, कोई चंद दिनों बाद ही अपने पुराने दफ्तर लौट आया है। ये अधिकारी पहले से ही काफी लंबे समय से अपने दफ्तरों में जमे बैठे थे। इनका ट्रांसफर हुआ था लंबे समय बाद और ये फिर वापस अपने दफ्तर लौट आए हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि महकमा इनके ऊपर कितना मेहरबान है। सहायक अभियंता नवल किशोर मिश्रा की बात करी जाए तो 29 जून को उनका प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बस्ती से निर्माण खंड बस्ती ट्रांसफर हुआ था, भेजे गए थे, लेकिन महज 10 दिन में ही उनकी पुरानी जगह पे वापसी हो गई है। ये देख के साफ पता चल रहा है कि प्रशासन भी इन अधिकारियों के आगे नतमस्तक है। ये जहां ट्रांसफर चाहते हैं इन्हें वही ट्रांसफर मिलता है। वो चाहे इनका लंबे समय से स्थानीय कार्य क्षेत्र बन गया हो वो हो, या फिर जो इनका ट्रांसफर फिर से रद्द कर देना हो उसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनकी ही मनमानी चलती है। सालों से जमे हैं ये अधिकारी विभाग में और विभाग भी इनके ऊपर मेहरबान है। इनका लंबे समय बाद ट्रांसफर हुआ लेकिन इन्हें फिर वापस इनके कार्य क्षेत्र में भेज दिया गया। पुराने दफ्तर लौट आए हैं, पहले की तरह ही काम करेंगे। अब वही लापरवाही से काम होता है या कुछ बदलाव होता है ये वक्त ही बताएगा। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, ट्रांसफर का खेल खेला जा रहा है, लखनऊ से कई खबरें सामने आ चुकी हैं और अब एक और नया मामला पीडब्ल्यूडी विभाग से सामने आया है। सबसे पहले इसकी इनसाइड स्टोरी जानना चाहेंगे, कितने लंबे समय से यहाँ पे अधिकारी तैनात चल रहे हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ट्रांसफर नीति के उल्लंघन को लेकर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं नाराज और नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं जहां पहले स्वास्थ्य विभाग पे जो ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया, तो उसके ठीक बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर की जो नीतियां हैं उसके उल्लंघन का मामला सामने आया है। ताजा मामला बस्ती से है जहां अधिशासी अभियंता नवल किशोर मिश्र की तरफ से, आपको बताएं कि विगत 3 सालों से वो बस्ती के अधिशासी अभियंता के तौर पे काम कर रहे थे और उसका जो मोस्टर ड्यूटी प्रणाली होती है उसके तहत उनका ट्रांसफर किया जाता है। और वही आपको बताएं कि विगत 7 दिनों के अंदर ही
फिर से वापस जहां उनकी नियुक्ति हुई थी 3 सालों से, फिर से उस जगह पे उनको भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सवालों के घेरे हैं कि रोस्टर प्रणाली के तहत ड्यूटी उनकी बदली जाती है, उसके ठीक बाद जो अधिकारी हैं वो उनपे मेहरबान नजर आते हैं और उनको फिर वापस से उसी जगह पे जो पुरानी जगह है वहां वापस भेज देते हैं। आपको बताएं कि 8 दिनों ही में जो ट्रांसफर इनकी की जाती है, उसका मजबूती के साथ अपने जैक का उपयोग करते हुए जो अधिशासी अभियंता है नवल किशोर मिश्र, उनकी तरफ से पूरी अपनी जो तमाम जो पावर है, जो तमाम चीजें हैं उसको उपयोग करते हुए और फिर से वापस उस पद पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है विभाग की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है, मगर फिर वापस अपनी धाक को जमाते हुए अधिकारी फिर वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर प्रणाली है उस पर सवालों के घेरे खड़े हो रहे हैं। वहीं अभी आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से टीम गठित की गई और टीम को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। तो उसके ठीक बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग, जो कि एक अहम विभागों में से एक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर ये तबादले कहीं ना कहीं जो अधिकारी है और साथ ही साथ रोस्टर ड्यूटी प्रणाली है उस पर सवालों के घेरे खड़ा कर रहा है। जी शिखा, विभांशु, जो महकमा है वो अधिकारी के अच्छे काम की वजह से मेहरबान है या फिर कोई मोटी रकम इसके पीछे वजह हो सकती है? जी शिखा, आपको बताया कि नवल किशोर मिश्र को प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बस्ती में तैनाती मिली थी, जहां वो 3 सालों से जमे हुए थे और उनके तबादले किए जाते हैं। तो उसके बाद अपने जैक को उपयोग करके, यानी कि अपने जो तार है विभाग के आला अधिकारियों तक, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो अपने परिचय से हो, उस माध्यम से फिर से नवल किशोर मिश्र अपनी पुरानी जगह पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवालों के घेरे हैं कि जब उनके ट्रांसफर होते हैं तो ठीक उसके बाद कैसे उस जगह पे फिर से आके अपने कुर्सी पर आसीन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे खड़े हो रहे हैं। और जल्द ही जहां स्वास्थ्य विभाग में हुए लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री ने टीम गठित करके जांच की मांग की थी, तो माना यह जा रहा है कि एक बार फिर जो पीडब्ल्यूडी में इस ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले की जो उल्लंघन किए गए हैं उसको देखकर अब मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और नाखुश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो सकती है, अब देखने वाली बात होगी। जैसे कहा जी, बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सालों से जमे अधिकारी, इनका समय समय पर ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन इनका ट्रांसफर लंबे समय तक नहीं होता है। 3 साल से एक ही विभाग में एक ही जगह पे रहते हैं और उसके बाद जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर को निरस्त करा के वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो जो ये गोलमाल हो रहा है इसकी जांच तो बनती ही है। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। आखिर भारत हिंदू महासभा ने मॉल के भीतर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो उनके कार्यकर्ता मॉल के भीतर सुंदरकांड का पाठ करने को विवश होंगे। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करीब आधा दर्जन लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो लखनऊ के लुलू मॉल का है, जिसका उद्घाटन गत रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। नहीं, देखिए, लुलू मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है, इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है नमाज पढ़ने की, तो सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में, पब्लिक प्लेस में क्या नमाज पढ़ने का अधिकार है? और जिस तरह से अब इसको लेकर तूल पकड़ता जा रहा है मामला, लगातार अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बताएं कि बीते रविवार को एशिया के सबसे बड़े मॉल लुलू मॉल का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। वहीं आपको बताएं कि एशिया के एक बड़े जो उद्योगपति है यूसुफ अली एमए, उनका ये मॉल है जिनके विदेश से लेकर तमाम जगहों पे, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश में निवेशकों की जो लिस्ट है उसमें 1 नंबर पे है।
तो कहे उनके द्वारा इस मॉल का शुभारंभ किया जाता है, जिसके बाद आपको बताया कि बीते दो दिन पहले वहां नवाज अदा करने की वीडियो वायरल होता है, और साथ ही जो तमाम जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जो हिंदू संगठन है वो इसमें सवाल के घेरे खड़ा करने लगे। वहीं आपको बता रहे कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने आज इसको संज्ञान में लेते हुए और जो सुशांत गोलश्री थाना क्षेत्र पड़ता है वहां पे इसके लिए ज्ञापन सौंपा है, और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की गई है कि जब इस मॉल के अंदर में नवाज पढ़ने के लिए जगह दी जा रही है तो हमें सुंदर कांड पढ़ने की भी अनुमति दी जाए। वहीं आपको बताएं कि अयोध्या के महंत राजू दास की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि लुलु मॉल प्रशासन इसमें जो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उसमें 80% मुस्लिम लड़के हैं और 20% हिंदू लड़कियां हैं, तो उनका साफ तौर से आरोप लगाया गया कि इससे लव जिहाद जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ उनके जो नियुक्ति की गई है लोगों की उसमें उन्होंने सवाल उठाया है। वहीं आपको बताएं कि शिशिर चतुर्वेदी की तरफ से अभी बीते एक घंटे पहले लुलू मॉल के बाहर जाके नारेबाजी की गई है, साथ ही साथ उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की है, और वहीं कहा गया है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन छेड़ा जाएगा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो सिखा ये मैटर है इसमें जो आस्था का एक प्रतीक होता है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सार्वजनिक स्थलों पर या सड़कों पर किसी भी धर्म की पूजा पद्धति नहीं चलेगी, अगर आपको पूजा करना है तो आप मंदिर और मस्जिद जाइए, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसका इसमें पालन नहीं हुआ है। और वहीं अगर देखा जाए तो महंत राजू दास की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो जांच का विषय है, तो प्रशासन को इससे जांच करके अब जो असली मामला है जो असल मामला है उसको सामने रखने की जरूरत है। वहीं जो शिशिर चतुर्वेदी हैं उनकी तरफ से आज सुशांत गोलश्री प्रशासन को इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है, और साथ ही साथ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्होंने कहा कि हमारे जो महासभा है उसके पदाधिकारी लुलू मॉल को आकर और प्रदर्शन करेंगे, और आज एक प्रदर्शन किया गया है मगर उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी एक ट्रेलर है, अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जैसे कहा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु वाणी त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। सीएचसी पूर्वा से 24 घंटे में एक और लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां सीएचसी पूर्वा में गर्मी से मरीजों का बुरा हाल है। वार्ड में भर्ती मरीजों के हाथ में पंखे सहारा लेना पड़ रहा है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर है लेकिन 6 महीने से डीजल ना होने के कारण वो शोपीस बना है। वार्ड में गर्मी से बेहाल मरीजों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इससे पहले सीएचसी पूर्वा में कल ई रिक्शा और वार्ड के बाहर परिसर में बेड पर उपचार का वीडियो भी वायरल हुआ था, और अब एक और वीडियो सामने आया है। सीएससी पूर्वा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पंखे बंद हैं, बत्ती ना आने की वजह से लोगों को हाथ पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है, हाथ से हवा किड्डी पड़ रही है। और अगर बात करी जाए जनरेटर की, तो जनरेटर सीएससी में मौजूद जरूर है लेकिन वो किसी उपयोग में नहीं है, क्योंकि डीजल की कमी की वजह से, डीजल ना होने की वजह से वो 6 महीने से शोपीस बने हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर शाम के समय लाइट चली जाए, अगर अंधेरा हो और उस वक्त जनरेटर ना चल रहा हो तो मरीजों का इलाज कैसे हो। तो सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएससी पूर्वा से ये बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई, और ये पहला लापरवाही का मामला नहीं है, बीते दिन भी यानी 24 घंटे के अंदर ये दूसरा मामला है। बीते दिन भी एक मामला सामने आया था जहां पर बेड पर परिसर के बाहर बेड पर उपचार करने का वीडियो सामने आया था। ई रिक्शा और बेड के वार्ड के बाहर परिसर में बेड पर उपचार का मामला बीते दिन सामने आया था, और आज 24 घंटे नहीं हुए। प्राइम टीवी एक और खबर दिखा रहा है सीएचसी की, सीएचसी पूर्वा का ये मामला है जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है, मरीजों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डीजल ना होने की वजह से जनरेटर नहीं चल रहे हैं, लोग गर्मी में बेहाल हैं और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में मरीज बेहाल है क्योंकि एक भी पंखा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
इस खबर पे हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य, 24 घंटे में दूसरा मामला लापरवाही का, पूरी जानकारी चाहेंगे। बीते दिन एक मामला सामने आता है लापरवाही का, एक और मामला आज सामने आ जाता है। बताना चाहूंगा कि लगातार डिप्टी सीएम और दौरा कर रहे हैं और जनपद में भी दौरा हो चुका है, जिला अस्पताल का भी उन्होंने दौरा किया, और उसके बावजूद अगर मातहत इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान जिला प्रशासन पर खड़ा हो रहा है कि अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो वहां सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। कल मामला आया, उसमें ई रिक्शा में बैठकर जो है डिप चढ़ाई जा रही है मृत को, इसका मतलब वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। और दूसरा मामला आज आया जब वहां पे जनरेटर में फ्यूल ही नहीं उपलब्ध है और वहां पे जो है पंखे वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लचर है और कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी सीएमओ पे जा रही है। जी, तो लापरवाही देखने को मिल रही है, आला अधिकारियों का क्या कहना है, क्या इसकी सुनवाई होगी? कल से हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, सीएमओ से हम लोगों ने संपर्क किया, सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो हम लोग आगे जिम्मेदार से जवाब तलब करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, लेकिन अगर इस तरीके की बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ पुरवा की बात नहीं, जनपद में तमाम ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें कमियां सामने आती रहती है, अगर इस तरीके से कमियां आती रहेंगी तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है जिला प्रशासन पे, कहीं ना कहीं इसमें जो जिला अधिकारी है उनको एक्शन लेना चाहिए, या फिर जो भी समय समय पर टीम आती है उसको भी जो है इस तरीके से निरीक्षण करने में उनको ऐसे मातहतों से सवाल तलब करना चाहिए कि आखिर यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं। जी, अगर और कमियों की बात करें तो वो कौन कौन सी कमियां देखने को मिल रही है सीएससी में, क्या साफ सफाई देखने को मिल रही है या उसमें भी कमियां हैं? लगातार किसी न किसी नोडल अफसर को जब से तय किया गया है तो नोडल अफसर लगातार जा रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नोडल अफसर जो भी आते हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर सही है तो इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं कि एक वृद्ध जो है उसको डिप चढ़ाने के लिए वो ई रिक्शा का सहारा ले रहा है, और दूसरी बात है कि जो वहां पे गर्मी में मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है, वहां पे पंखे बंद है, डीजल नहीं है, इस तरीके की असुविधाएं आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर डॉक्टर वहां पे मौजूद है तो भी मरीजों का कहना है कि डॉक्टर यहाँ पे समय पर देखने नहीं आते हैं। ऐसे तमाम बातें हैं, ऐसे तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अगर डीएफटी सीएम अगर यहाँ पे दौरा कर रहे हैं तो उनको निरीक्षण में ये सारी बातें अगर सामने रखी जाती तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता चैतन्य जुड़े थे उन्नाव से। खबर सुल्तानपुर से है जहां पर मौजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फोटो लगातार महंगाई को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। सुबह जैसे ही ये होल्डिंग सियासी गलियारों में चर्चा बनी तो प्रशासन ने आनन फानन में उसे हटवा दिया। जानकारी के मुताबिक यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वरुण मिश्र ने होल्डिंग्स लगवाई थी जिसमें स्मृति ईरानी सिलेंडर के साथ नजर आ रही थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से 2014 और 2022 का तस्वीरें दिखाई हैं, दोनों में स्मृति ईरानी को दिखाया है। 2014 तब की तस्वीरें दिखाई जा रही है जब स्मृति ईरानी सिलेंडर और महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। सिलेंडर रख के वो महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, तब कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा थी, और अब जब भाजपा की सरकार है तो 1053 रुपए का सिलेंडर हो चुका है और 2014 में 410 का सिलेंडर था। तो इसी चीज को दर्शाने की इस होल्डिंग के माध्यम से कोशिश करी गई है कि बीजेपी में सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, जबकि खुद स्मृति ईरानी ही महंगाई को लेकर विरोध दर्ज कराती थी। तो यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा ने ये होल्डिंग्स लगवाई है, ये बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये होल्डिंग्स लगवाए गए हैं। आज सुबह एक होल्डिंग बार लगाई गई थी गेट कलेक्ट्रेट गेट के बाहर, उसको उतरवा दिया गया है, उसमें FIR दर्ज कराई गई है और जांच के बाद जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट गेट पर ये विवादित होल्डिंग लगी हुई है, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ये होल्डिंग लगवाई है और ऐसी होल्डिंग्स उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह पे देखने को मिली है। हालांकि शिकायत दर्ज कर ली गई है और अब इस पे एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के होल्डिंग्स बनवाए गए हैं स्मृति ईरानी के, जिसके बाद नाराजगी भी देखने को मिली है।
तो कांग्रेस द्वारा अब महंगाई को लेकर प्रदर्शन का एक और तरीका देखने को मिल रहा है। जो महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस आवाज उठाती रही है, तो वहीं अब होल्डिंग्स बनवाए गए हैं स्मृति ईरानी के। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस होल्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ये सिर्फ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगे हैं या बाकी जगह पे भी देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये गेट से ही आज सुबह ही नजर पड़ी अधिकारी की, और भी जो है तमाम जो है चर्चित यहाँ पे बन गया है। जैसे ही गैस की दाम को बढ़ोतरी को लेकर सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले लगातार कांग्रेसों द्वारा हल्ला बोल रहा महंगाई को लेकर, आज वही कांग्रेसों द्वारा होल्डिंग को लगा कर एक दर्शाया गया है। 2014 में ही गैस की दाम जो है 400 कुछ रुपए थे, आज वही दाम जो है गैस के हो गए हैं लगभग 1,53 रुपए। कहीं ना कहीं कुछ इसका भी असर पड़ रहा है जनता को भी, और इसी को देखते हुए प्रशासन पे भी जब नजर पड़ी है तो उसको भी जो है जैसा का भी माहौल बन गया, उसको हालांकि तुरंत जो है नगर पालिका की टीम को बुलाकर उसको हटवाने की कोशिश किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़े थे सुल्तानपुर से। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।